दोस्तों हम आ गए हैं चित्रकूट के रामघाट। आप पीछे देख रहे हैं, ये पूरा रामघाट कहा जाता है। और कहा जाता है कि तुलसीदास जी को यहाँ पे श्री राम जी ने दर्शन दिए थे। तो इस जगह का महत्व बहुत ज़्यादा है। नाव से आप घूम सकते हैं यहाँ पे, बस यहाँ से वहाँ तक नाव वाले ले जाएंगे आपसे, 300-400 रुपए लेंगे। और आप पैदल भी घूम सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पार्किंग है, फोर व्हीलर से भी आप आते हैं तो पार्किंग में आपकी गाड़ी लगा सकते हैं। और ये पूरा रामघाट है दोस्तों। ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये पवित्र मंदाकिनी नदी है। और अब आपको यहाँ के खास मंदिर में लेके चलेंगे, जिनके स्वीकृति लेने के बाद ही भगवान राम, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ यहाँ पर रुके थे। दोस्तों इस मंदिर का नाम है मत्य गजेंद्रनाथ। इनको चित्रकूट का क्षेत्रपाल भी कहा जाता है, इसलिए बिना इनके दर्शन के चित्रकूट की यात्रा फलित नहीं होती है। मत्य गजेंद्र का अपभ्रंश के कारण मत्य गजेंद्र, मत गंजन, मत गजेंद्र, ये अलग अलग यहाँ पे इनके नाम पड़ गए हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं पवित्र मंदाकिनी नदी, और यहाँ पे आप नाव देख रहे हैं। रात में इन नाव पे बहुत अच्छी लाइटिंग हो जाती है, रात में और भी यहाँ का दृश्य बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पे आरती भी होती है, वो भी देखने लायक होती है। तो चलिए यहाँ के सबसे प्रसिद्ध और मुख्य मंदिर में आपको लेके चलते हैं और वहाँ के दर्शन करवाते हैं। दोस्तों आज सोमवार का दिन है और सोमवार को इस मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। आसपास के और दूसरे शहरों के भक्त यहाँ पर सोमवार को बहुत ज़्यादा संख्या में दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर जो भी भक्त अपनी पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से यहाँ पर जो भी मांगता है, उसकी मन्नत यहाँ पर ज़रूर पूरी होती है। तो आइए हम अब आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं। यहाँ पर एक ही जलाधारी में 4 शिवलिंग की स्थापना की हुई है। ये यहाँ पे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के रूप में यहाँ पर विराजमान है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की, उस समय उन्होंने बहुत विशाल 108 कुंडीय यज्ञ करवाया और उसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर मत्य गजेंद्रनाथ स्वामी प्रकट हुए और उन्होंने यहाँ पर दर्शन दिए। इस जगह को उनकी कैलाशपुरी के समान माना जाता है। इस मंदिर की स्थापना स्वयं ब्रह्मा जी ने की थी। दोस्तों मत्य गजेंद्रनाथ जी का वर्णन महाशिव पुराण में पंचम स्कंद में वर्णित है। दोस्तों आप दर्शन कर रहे हैं श्री मत्य गजेंद्रनाथ मंदिर के। यहाँ पे 4 शिवलिंग है और आज सोमवार होने के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा भक्त आए हुए हैं। दोस्तों जब चित्रकूट राम जी आए और उन्होंने लक्ष्मण जी को मत्य गजेंद्रनाथ स्वामी जी के पास भेजा कि जाओ और उनसे पूछकर आओ कि हम यहाँ पर रह सकते हैं कि नहीं। जब लक्ष्मण जी उनके सामने गए और उन्होंने पूछा कि हम यहाँ पर रह सकते हैं, तो वह अपनी नव्य और जिह्वा पर हाथ रखकर घूम गए। तब लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के पास गए और उन्होंने कहा कि मत्य गजेंद्रनाथ जी से मैंने जैसे ही पूछा तो वह अपनी नव्या और जिह्वा पर हाथ रखकर घूम गए और मुझे उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तो श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि उन्होंने अपना उत्तर बिना बोले दे दिया है। उनका मतलब यह था कि अपनी वाणी और इंद्री पर संयम रखकर आप यहाँ 12 वर्ष तक, तो क्या पूरा जीवन भी यहाँ पर अपनी वाणी और इंद्री पर संयम रखकर रह सकते हैं। बहुत समय बाद यहाँ पर आक्रांता औरंगजेब यहाँ आया तो वह सभी मंदिरों पर आक्रमण करके उन्हें तोड़ रहा था। तो वह इस मंदिर को तोड़वाने लगा, तो जैसे ही यहाँ पर तोड़फोड़ शुरू हुई तो उसकी सेना में हैजा फैल गया था, जिससे वो बहुत परेशान हुआ। परेशान होकर यहाँ के लोगों से उसने पूछा कि अब मैं क्या करूँ। तो उस समय उन लोगों ने कहा कि यहाँ पे संत बालकदास जी रहते हैं, आप उनके पास जाइए, वो आपका समस्या का निराकरण करेंगे। तो वो संत बालकदास जी के पास गए तो उन्होंने कहा कि आप तुरंत चित्रकूट छोड़ दीजिए और यह संकल्प लो कि आज के बाद मैं कोई भी मंदिर नहीं तोड़वाऊँगा। तो उसने संकल्प लिया और यहाँ पास ही एक हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर उसने 5 गांव माफ़ी के तौर पर दिए थे। इसलिए मत्स्य गजेंद्रनाथ जी का आध्यात्मिक और ऐतिहासिक दोनों महत्व है। यहाँ जो भी भक्त अपनी मनोकामनाओं के साथ दर्शन करने आते हैं, उनकी मनोकामना श्री मत्स्य गजेंद्रनाथ सरकार जरूर पूरी करते हैं। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख लिया है और आपको पसंद आ रहा है तो उसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो आगे आने वाले समय में लाते रहेंगे, बहुत अच्छी अच्छी आपको जगह घुमाते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही अच्छे से वीडियो में, जब तक के लिए
जय श्री राम, जय भोलेनाथ। कमेंट जरूर करिएगा, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा।